नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डेट आ चुकी है। हर स्टॉक हर कंपनी के बारे में जो भी चीजें आपको जाननी होती हैं वो आपको पता चलती हैं उस कंपनी के रिजल्ट्स में, और यही एक चीज है जिसके दम पर एक शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उससे पीछे जो भी होता है ऊपर नीचे वो सिर्फ खरीद बेचा और वो टेम्पररी है, लेकिन परमानेंट जो है वो फाइनेंशियल्स, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की सेल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मार्जिन, ये चीजें हमें देखनी होती हैं। तो अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, आपके स्टॉक के कब रिजल्ट आने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, या तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए वो डे, या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं कि क्वार्टर वन के नंबर्स आने वाले हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट Q1 के रिजल्ट्स कंपनियां पेश करने वाली हैं, और रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है इस महीने यानी कि जुलाई मंथ में। नॉर्मली स्टार्ट होता है TCS के साथ, बड़े नंबर जब TCS अनाउंस करता है अपने रिजल्ट्स, उसके बाद बड़े नंबर्स की कहीं ना कहीं आने की बारी हो जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट हो गया मामला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 जुलाई कल का मंडे का सेशन, कल आपके लिए चालेट होटल्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बड़े नाम की बात करें तो चालेट होटल के नंबर कल ही आने वाले हैं। फिर आते हैं 4 जुलाई, छोटा स्टॉक है छोड़ते हैं। 5 जुलाई की बात करें तो छोटा ही स्टॉक है छोड़ देते हैं। 6 जुलाई को आपके लिए बड़े नंबर आने वाले हैं GM ब्रेवरीज के, 583 के क्लोजिंग है फ्राइडे की। तो GM ब्रेवरीज अगर आपका शेयर है तो 6 जुलाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, 7 जुलाई छोटा नंबर है, 8 जुलाई की कोई बड़ी बात नहीं है, 10th कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 11 जुलाई की बात करें तो यहाँ आपको दो अच्छे नाम दिखेंगे, और उसके बाद शुरू होगा 12 जुलाई से बड़े नंबर्स का सिलसिला। 11 जुलाई को आपके लिए आते हुए दिखेंगे एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के रिजल्ट्स एंड PCBL के रिजल्ट्स, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के। तो दो नंबर आपके लिए 11 तारीख को आने वाले हैं, 11 जुलाई को। 12 जुलाई से हो जाएगा पूरी तरीके से रिजल्ट सीजन स्टार्ट, जहां पे आपके लिए बड़े बड़े नंबर डेली बेस पे आएंगे। तो शुरुआत जैसे कि हर बार TCS करता है, इस बार थोड़ा चेंज यह कि केवल TCS नहीं, IT के दो दिग्गज अपने नंबर पेश करने वाले हैं। तो HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर आएंगे आपके लिए 12 जुलाई को, और TCS के भी आएंगे 12 जुलाई को नंबर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है 12 जुलाई, ये डेट आप नोट डाउन कर लेना, चाहे आपके पास HCL टेक, TCS हो या ना हो, क्योंकि दो IT के बड़े दिग्गज पोस्ट मार्केट नंबर शेयर करेंगे 13 जुलाई को। अपने आप बाजार में बड़ा एक्शन होगा इन रिजल्ट्स के दम पर। 13 जुलाई की बात करें तो एंजल वन एंड आदित्य बिरला के नंबर आते हुए दिखेंगे। 14 जुलाई को बात करें तो अमल लिमिटेड के नंबर आएंगे, विंची लिमिटेड के हैं, कोई बड़ा नाम नहीं है। लेकिन 15 जुलाई को के सॉल्व्स इंडिया के नंबर आपको आते हुए दिखेंगे। उसके बाद 18 जुलाई को ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, ICICI लोम्बार्ड के, LTTS, CEI इन ऑटोमेटिव। 19 जुलाई को जुबिलेंट फार्मोवा। 20 जुलाई फिर से बहुत बड़ा दिन है, तो पहले 12 तारीख उसके बाद 20 तारीख अपने आप में दो इंपॉर्टेंट डे है, नोट कर लीजिए, चाहे आप पे ये शेयर हो ना हो, क्योंकि ये अपने आप में इतने बड़े शेयर हैं, पोस्ट मार्केट नंबर देते हैं, तो आपके लिए अगले दिन शेयर बाजार में पूरा का पूरा भूचाल ला सकते हैं। 20 जुलाई को नाम सुनिए, परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप IT से दिग्गज, एम्फेसिस मिड कैप IT, कोफोर्ज मिड कैप IT, उसके बाद इंफोसिस लार्ज कैप IT से बड़ा दिग्गज जाइंट कंपनी है, इंफोसिस बताने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे 4 IT स्टॉक है जो अपने रिजल्ट पेश करेंगे। इनफैक्ट एक और ले लीजिए, जेंसा टेक्नोलॉजी 20 तारीख को, एंड ICICI सिक्योरिटी जिसने रिसेंटली मर्जर अनाउंस करा ICICI बैंक के साथ, इसके भी रिजल्ट आपके लिए 20 जुलाई को आते हुए दिखेंगे। 21 की बात करें तो यहां भी कुछ बड़े नाम है निफ्टी से, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अतुल लिमिटेड, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स, ये स्टॉक 21 तारीख को आपके लिए नंबर्स पेश करेंगे। 22 तारीख को सैटरडे है और नंबर आएंगे ICICI बैंक के और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और मंडे को होगा बड़ा एक्शन। उसके बाद आपके लिए सीधे मंडे 24 तारीख को HDFC AMC अपने नंबर पेश करेगा, BASF इंडिया लिमिटेड एंड राणे ब्रेक्स लाइनिंग लिमिटेड भी अपने नंबर पेश करेगा।
25 जुलाई ट्यूसडे एशियन पेंट, बजाज ऑटो, जुबिलेंट फूडवर्क, यूटीआई एएमसी, महिंद्रा हॉलीडेज, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन एंड राणे इंजन, ये सारे नंबर आएंगे। 26 जुलाई को आपके लिए फिर आईटी लीडर टेक महिंद्रा, उसके बाद फार्मा से डॉक्टर रेड्डी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, महिंद्रा लाइफ स्पेसिस, नोवर्टिस, राणे मद्रास एंड महिंद्रा ईपीसी इरीगेशन। 27 जुलाई थर्सडे को आपके लिए नेस्ले इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, एलजी बालाकृष्णन, फोसेको इंडिया, श्री दिग्विजय सीमेंट, ट्रांसकॉप इंटरनेशनल लिमिटेड। 28 जुलाई फ्राइडे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनएम फाइनेंस जिसे आप जानते हो, एक्साइड इंडस्ट्रीज। 29 जुलाई सैटरडे जीटीएल इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट आपके लिए आते हुए दिखेंगे। 31 जुलाई मंडे बॉश, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये कुछ नंबर है जो इस महीने आपके लिए आते हुए दिखेंगे। बाकी अगले महीने का भी मेरे पास डाटा है, बट वो हम बात करेंगे कभी और। इस महीने का पूरा रिजल्ट कैलेंडर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, होप आपको आपके स्टॉक की रिजल्ट डेट पता चल गई और ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा दिन स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा बड़ा और इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।